योर प्रोटीन पुराना माल बेच रहा है, ले लूँ क्या? बस दो महीने का एक्सपायरी है, ले लूँ? भाई भाई ऑन का गोल्ड स्टैंडर्ड 50% डिस्काउंट में मिल रहा है, ले लूँ क्या? भाई डायमंड डाइस का ISO 100 बस 60% डिस्काउंट में मिल रहा है, एक महीने का एक्सपायरी है, ले लूँ क्या भाई? ले 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 ले। नमस्कार दोस्तों, तो ये बहुत चल रहा है आजकल। मैं तो मतलब लाइन लगा के इंस्टा का जवाब देते जा रहा हूँ, लोगों को बोल रहा हूँ भाई मतलब कर लोगों को लेना है तो ठीक है, आप लेना चाहते हो तो ज़रूर ले सकते हैं एक्सपायर्ड हुए प्रोटीन या फिर जो प्रोटीन एक महीने में एक्सपायर होने वाला है, क्योंकि कोई तो आपको बोला होगा उसमें कोई टेंशन नहीं है, वही प्रोटीन एक्सपायर होता ही नहीं है यार। चलो ठीक है, सबकी बात सही है, अपना अपना इंटरेस्ट सबका होता है, मेरा इंटरेस्ट कुछ और है। मैं बताना चाहता हूँ कि मैं क्यों नहीं यूज़ करूँगा। वैसे बहुत लोगों का मानना है कि मुझे यूज़ करना ही नहीं चाहिए कोई भी प्रोटीन, वो बात अलग है। बात यह है कि अगर आप नियरली एक्सपायर्ड हुए प्रोटीन है वो, या फिर कुछ कंपनी तो आगे जाके एक्सपायर्ड प्रोटीन ही भेज देते हैं, मतलब आपको आप ऑर्डर किए आपको एक महीने जस्ट बाद का प्रोटीन मिल गया, बाहर का प्रोटीन होता है वो सब मोस्टली इम्पोर्टेड प्रोटीन्स होते हैं, अपने देश का नहीं होता है। अपने देश का होता है तो हम तो वापस भी कर देते हैं, हम बोलते हैं नया लॉट दे दो। तो ये लेना है या नहीं लेना है, ले तो सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और जो लोग बोलते हैं ना कि वो प्रोटीन एक्सपायर नहीं होता है, कुछ हद तक ठीक बोलते हैं, पर मुझे लगता है उनको पूरा स्टोरी बोलना चाहिए। ठीक है, तो एक चीज़ के कोई भी डिसीजन हो, कोई भी ऐसा चीज़ हो ना, तो आप पहले आपका जनरल जो सेंस है उसको, आपके मन के दरवाजे को खोल दीजिएगा और पूछिएगा ये चीज़ कि जो चीज़ नॉर्मली 6000 में मिलता है वो आपको नॉर्मली जो 6000 में मिलता है, दो दिन पहले भी मिल रहा था, एक्सपायरी रीच हो रहा है इसके लिए, उसको आपको क्यों कम में देगा? राइट, 3000, 2500, 3500 में क्यों देगा कोई? तभी कोई चीज़ का वैल्यू कम होता है जब उसका एक्चुअल में वैल्यू कम हो जाता है। ठीक है, आपको डिस्काउंट में कोई दुनिया में कुछ नहीं देता। ठीक है, याद रखिए दिमाग में अच्छी तरह से, थोड़ा उम्र हो जाएगा, जो लोग यंग हैं उनको मालूम नहीं पड़ेगा, बाद में आपको मालूम पड़ेगा, डिस्काउंट में कुछ नहीं होता है, जो वैल्यू होता है वही चीज़ आपसे लिया जाता है। तो अभी एक्सपायर्ड प्रोटीन लेने में दिक्कत क्या है, क्योंकि बहुत लोग इसके बाद बोलेंगे नहीं उसको तो सब कुछ सब चीज़ों में प्रॉब्लम है, एक्सपायर्ड प्रोटीन से भी प्रॉब्लम है यार। तो बोलो हाँ भाई, अभी राशन की दुकान में जाके एक्सपायर्ड या जो एक महीना बाद एक्सपायर होगा ऐसा आटा ले लो, तेल ले लो, अचार ले लो, सारी चीज़ें एक्सपायरी के एक महीना पहले वाला ले लो और बोलो 10-20 रुपए एक्स्ट्रा करके डिस्काउंट देने के लिए। आप तो नहीं करने वाले, तो वे प्रोटीन में क्यों? क्योंकि वे प्रोटीन वैसे भी एक्सपेंसिव होता है, और हमारे जो भैया लोग होते हैं यूट्यूब में वो हमें बताते हैं नहीं ले लो भाई, कोई टेंशन नहीं है, मैं तो यूज़ करता हूँ, क्या है प्रोटीन ही है, देखो मतलब मसल वसल तो मेरा बढ़ गया है वो प्रोटीन लेके। इसलिए हम मिसगाइडेड होते हैं। दो प्रॉब्लम्स हैं, वो है एक हमारे कंट्री के लिए, वो है हमारा एक ट्रॉपिकल कंट्री है मोस्टली। अब जो नॉर्थ, एकदम नॉर्थ के साइड में आप रह रहे हो वहाँ पे इट्स नॉट अ बिग डील इस पर्टिकुलर रीज़न के लिए, पर फिर भी वहाँ पे भी डील हो सकते हैं क्योंकि ह्यूमिडिटी बढ़ जाता है, तो उस लिए। तो क्या होता है, अगर आप एक्सपायरी से पहले का चीज़ लेते हो एक महीना दो महीने का, और वो चीज़ आप एक दो महीने में यूज़ नहीं कर पा रहे हो, तो वो जाके एक्सपायर हो रहा है, राइट? तो फिर अपना कितना 3500 से लिए थे उसको आप फेंक तो नहीं दोगे, आप यूज़ करोगे फर्स्ट चीज़। तो आप ऑफिशियली उस कंपनी के नाम पे कंप्लेन नहीं कर सकते अगर उसमें मोल्ड होता है और आपको शारीरिक कोई तकलीफ होता है, क्योंकि मोल्ड हो ही सकता है। देखो मोल्ड क्या है, कोई भी चीज़ में मोल्ड आ सकता है, और मोल्ड ना लाने के लिए बहुत लोग आजकल वे में प्रिजर्वेटिव डाल रहे हैं, वो अलग बात है, पर मोल्ड आ सकता है मोस्टली अगर ह्यूमिड वेदर हो। वे प्रोटीन वैसे तो बहुत ड्राई होता है, उसमें नॉर्मली कोई टेंशन नहीं है कि आपका मोल्ड आएगा, पर हमारा जैसे मैंने कहा ह्यूमिड वेदर है, आप घर में कहाँ रख रहे हो, मतलब सन रे डायरेक्ट आ रहा है, या फिर कोई रूम में रख रहे हो जो बहुत हीटेड अप हो जाता है, या फिर आपके घर में थोड़ा सा ह्यूमिड वेदर है और भी ज़्यादा बाहर से, उस हिसाब से उसमें मोल्ड टाइम से पहले आ सकता है। और अगर आता है मोल्ड से आपका पेट ख़राब हो सकता है, फूड पॉइजनिंग एक्सट्रीम लेवल में हो सकता है, कुछ हद तक लोग मर भी सकते हैं। पर ये था वन पार्ट ऑफ इट कि अगर आप यूज़ नहीं कर पाए, या फिर अगर वो डब्बा जो है वो नियर एक्सपायरी है तो उसमें भी मोल्ड बन सकते हैं, ऐसा नहीं कि गारंटी बनेगा, देर इज़ अ पॉसिबिलिटी, क्योंकि वो सब तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में लिख देते हैं, हमारे कंट्री में के लिए कोई नहीं बनाता कि यहाँ पर इतना दिन ये टिकेगा, ये एक चीज़ है।
दूसरा चीज़ जिसके बारे में कोई नहीं बताता और मुझे मालूम नहीं कि एक तो उनको मालूम नहीं होगा शायद दूसरा चीज़ है मालूम होकर भी बताते नहीं है शायद, उसको कहते हैं माइलर्ड रिएक्शन। ठीक है, और अभी ये बहुत सही तरह से सुनिए माइलर्ड रिएक्शन क्या होता है। अगर आप सुने हो तो आपको मालूम पड़ गया कि इसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो आपके जो एमिनो एसिड्स होते हैं, एसेंशियल एमिनो एसिड्स होते हैं वे प्रोटीन के, और वे प्रोटीन एक कंप्लीट प्रोटीन है क्योंकि वो हाई डोज जो एसेंशियल एमिनो एसिड होते हैं उसमें, इसलिए आप इतना पैसा देके लेते हो भाई। तो उसमें एक चीज़ होता है जिसको कहते हैं लाइसिन, बहुत इंपॉर्टेंट एमिनो एसिड है। पर ये देखा गया है रिसर्च में अगर लाइसिन ब्लॉकेज हो जाता है, लाइसिन डिग्रेड हो जाता है कोई भी प्रोटीन प्रोडक्ट में, तो उसका डाइजेस्टिबिलिटी कम हो जाता है बॉडी में। और ऑफ कोर्स अगर आपका वो पूरा चेन ऑफ 9 अमीनो एसिड से एक हट गया तो वो प्रोटीन कंप्लीट नहीं रहा। आप वो प्रोटीन खरीद रहे हो एक कंप्लीट प्रोटीन के लिए, फिर उसका लाइसिन उड़ गया और कुछ हद तक उड़ गया, फिर भी आप उसका, तो इसीलिए तो आपसे कम पैसा ले रहे हैं क्योंकि लाइसिन डिग्रेड हो सकता है। तो अभी आप बोलोगे लाइसिन क्यों डिग्रेड हो सकता है, लाइसिन बहुत तरीके से डिग्रेड हो सकता है, उसको ग्लाइकेशन बोलते हैं। जनरली जो चीज़ों को, जो चीज़ उसको अफेक्ट करता है वो है टाइम, कितना टाइम तक वो लाइसिन वाला प्रोटीन है, शुगर और या फिर शुगर जो होते हैं उसके साथ। तो जैसे आपका हो गया लैक्टोस, जो आपका वो प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट या ब्लेंड होते हैं उसमें लैक्टोस होता है, लैक्टोस के साथ वो वे प्रोटीन कितना दिन है, उसमें हीट कितना ज़्यादा आ रहा है कम आ रहा है, ये सब रिएक्टेंट्स हैं, ये सब एक्सेलरेट करेंगे या फिर डिटोरिएट करेंगे रिएक्शन स्पीड को, पर ऐसा नहीं कि ये बंद कर देंगे या फास्ट करेंगे। तो होता है कि अगर आपका लाइसिन तो ऑब्वियसली वे प्रोटीन में है, उसके साथ साथ लैक्टोस है तो रिएक्शन के लिए रेडी है, ग्लाइकेशन हो सकता है, और इसमें लाइसिन ब्रेक डाउन हो जाएगा, मतलब कि प्रोटीन से चेन ब्रेक करके निकल जाएगा और वो लाइसिन भी नहीं रहेगा, मतलब वो फ्री फॉर्म लाइसिन भी नहीं रहता है, उसको कहते हैं माइलर्ड रिएक्शन। अभी माइलर्ड रिएक्शन ये नेचुरली हो सकता है ओवर द टाइम, जितना देर आप प्रोटीन को रख रहे हो उतना ज़्यादा हो सकता है, कोई भी प्रोटीन में हो सकता है। और दूसरा होता है जो बहुत लोग यूट्यूब में बनाते हैं ना, प्रोटीन पैनकेक, प्रोटीन कुकी वगैरह, जब भी उतना एक्सट्रीम हीट में आप ओवे प्रोटीन को डालते हो तो उसका लाइसिन डिग्रेडेशन तो गारंटी होगा, उसके साथ साथ और भी कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट अमीनो एसिड उसका ब्रेकडाउन हो जाता है, हाइड्रोलिसिस उसका हो जाता है, पर लाइसिन ब्रेकडाउन जो माइलर्ड रिएक्शन होता है वो तो श्योर शॉट होगा उतना हीट अगर आप देते हो उसमें। तो एक तो आपका मोल्ड हो गया, दूसरा हो गया लाइसिन डिग्रेडेशन या फिर जिसको कहते हैं माइलर्ड रिएक्शन, ग्लाइकेशन, बहुत सारा नाम दे रहा हूँ देख लीजिए, ये चीज़ें हो सकते हैं। और मेरे लिए ग्लाइसिन डिग्रेडेशन या फिर माइलर्ड रिएक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज तब आप तो बेसिकली आपको मालूम पड़ गया ना आप क्यों कम पैसा दिए। इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प यू आपके मसल बिल्डिंग में, मोस्टली मेरे चैनल पे वो लोग ही आए ना जो थोड़ा वर्कआउट कर रहे हैं मसल बिल्डिंग के लिए कर रहे हैं, जो भी है आप वो प्रोटीन कंप्लीट प्रोटीन नहीं रहा अगर उसका माइलर्ड रिएक्शन अच्छी खासी तरह से हो गया, उस अच्छा खासा तरीके से हो गया उसमें, और उसमें लाइसिन ब्रेकडाउन हो गया है। और इसमें आपको कैसे मालूम पड़ेगा, देखिए कुछ तो जो फ्लेवर्ड बहुत भयंकर फ्लेवर्ड वे प्रोटीन होता है उसमें आपको मालूम नहीं पड़ेगा क्योंकि उसका जो फ्लेवर है उसको वो ढक देता है एक्चुअल डिग्रेडेशन को अलग से। अगर आपको मालूम पड़ना है तो लाइट फ्लेवर्ड जो वे प्रोटीन होता है या फिर अनफ्लेवर्ड जो वे प्रोटीन होता है, और अगर वो आप बाय कर रहे हो नियर टू एक्सपायरी या फिर एक नॉर्मल प्रोटीन आप ले लिया, आपको अचानक से चौक टाइप स्मेल आ रहा है, मतलब टेस्टलेस लग रहा है, समझ रहे हैं आप क्या हो रहा है, मैं रॉ वे प्रोटीन की बात नहीं कर रहा हूँ, रॉ वे प्रोटीन मिल्क की तरह टेस्ट करता है, चौक टाइप टेस्ट आ रहा है, मतलब उसमें जिसे आपको टेस्टलेस लग रहा है थोड़ा बहुत या फिर वियर्ड टेस्ट लग रहा है कभी कभी, वो उसमें लाइसिन डिग्रेडेशन होने का बहुत ज़्यादा चांस रह जाता है। और अगर आपको किसी तरह से मोल्ड, तो आप खाली आँख में बहुत टाइम पे नहीं देख पाते हैं, तो मोल्ड के लिए अगर आप पी रहे हो और आपको नॉर्मली वे प्रोटीन पी के कोई डाइजेशन के इशू नहीं होता है, ये वाला प्रोडक्ट भी पहले लिए हो कुछ नहीं होता है, पर ये नियर टू एक्सपायरी माल लेके या फिर ये लॉट का चीज़ लेके आपका गारंटीड डिसेंट्री हो रहा है या फिर आपका लूज मोशन हो रहा है वगैरह हो रहा है, तो आप बंद करो, उसमें मोल्ड हो सकता है, बहुत ज़्यादा चांस है। ठीक है, और दूसरा चीज़ है अगर रॉ वे प्रोटीन है वो भी नियर टू एक्सपायरी या एक्सपायर्ड प्रोडक्ट है, आप उसको यूज़ किए हो आपको लग रहा है मोल्ड कैसे है, तो उसमें आपको थोड़ा सा खट्टा टेस्ट आएगा, हल्का सा स्मेल आएगा, पर इसके लिए आपको एक्यूट स्मेलिंग सेंस होना है और उसमें मोल्ड बहुत ज़्यादा फॉर्म हो चुका होगा तब तक। इट्स बेसिकली वेरी डेडली, फूड पॉइजनिंग
बहुत लोगों को मारता है हर साल, वही प्रोटीन से मत कीजिए फूड पॉइजनिंग। तो ये वीडियो इसलिए था आपको बताने के लिए कि ये जो चल रहा है ट्रेंड पुराना चीज़ खाने का, पुराना देखिए मैं उस कंपनी के अगेंस्ट नहीं हूँ, वो सारे कंपनीज़ का जो ये पुराना चीज़ बेच रहे, मैं कहूँगा उन्हीं का खुद का जो ऑफरिंग होता है अच्छा प्रोटीन का, उनका खुद का, अगर बहुत सारे मतलब एग्रीगेटर्स हैं नहीं, उनके उनसे उनका खुद का चीज़ लीजिए, इंडियन प्रोटीन लीजिए, बहुत सारे अल्टरनेटिव्स लीजिए, पर एक्सपायर्ड या नियर टू एक्सपायरी प्रोडक्ट मैं नहीं लूँगा। इवन दो कोई गुरु आके मुझे बोल दे नहीं भाई मैं तो एक्सपायर्ड प्रोडक्ट ही खाता हूँ हमेशा, दिन भर रात भर पीसता जाता हूँ एक्सपायर्ड प्रोडक्ट, उसे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि साइंस जो कहता है वो साइंस कहता है और वो हमेशा रहेगा, अगर कोई गुरु कहे ना कहे। उस हिसाब से मैं कहूँगा आपको, अगर आप मुझसे पूछते हो मैं नहीं लूँगा, अगर आपको कुछ लेना है आप लो। तो ये था ये वीडियो, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, अपना स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा।